सब कुछ नहीं। संसार में रहोगे तो पैसा के बिना किसी पैसा बन पैसा बिन किसी का किसी से लब कुछ नहीं है। काऊ तो काऊ को प्यार है तो वहां में जरूर पैसा है। पैसा बन किसी का किसी से लब कुछ नहीं, हाय लब कुछ नहीं। एक लड़की ने लड़के को बुलाया, प्रेम पत्र जेब से पकड़ाया। लड़का बोला, बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम्हारी मर्जी है? बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम्हारी मर्जी है? मैं अच्छा लगता हूँ या प्रेम पर फर्जी है? लड़की ने कहा, ऐसे चक्कर मत घुमाओ, सीधी बातों पे आओ। क्या मेरा खर्चा उठा सकोगे? क्रीम पाउडर लिपस्टिक ला सकोगे? लड़के ने कहा, जेब में पैसे नहीं। तो लड़की बोली, प्रेम पत्र दे दो फिर ऐसे नहीं। लड़की बोली, प्रेम पत्र दे दो फिर ऐसे नहीं। तो फिर, अरे पैसे बिन दुनिया में पैसे बिन किसी का किसी से लब कुछ नहीं, हाय लब कुछ नहीं। संसार में जैसे व्यक्ति मिलेंगे, जैसा का नाम तो जैसे से होगा, जैसा का नाम तो जैसा से होगा। जैसा आदमी होगा उसका काम वैसे ही आदमी से निकलेगा कि नहीं? जैसा हो काम तो जैसा से हो। और जब हम अपने मरीज को ले जाते हैं और डॉक्टर का कंपाउंडर रेस्पेक्ट उस पर बैठता है, वो कहता है 25,000 रुपए जमा कर दो, सीरियस केस है। अरे जैसों का काम देखो जैसों से होगा। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है फिर भी। अरे पैसे का काम तो पैसे से होगा, पैसों का काम तो पैसों से होगा। पैसे बिन अफसर का भी, पैसे बिना अफसर, ये पैसे बिना अफसर का कोई तलब कुछ नहीं। जब 5,000 रुपए की वकील साहब ने कहा, जज साहब कानून की किताब नंबर, किताब में 132 नंबर पेज पर वो सबूत है
कानून की किताब में 132 नंबर पेज पर वो सबूत है जो मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी करेगा। जज साहब ने कहा इसे कैसे मालूम? कानून की किताब मंगाई गई, 2000 के उसमें 5 नोट रखे हैं। जज साहब ने कहा ऐसे ऐसे 3 सबूत और पेश किए जाएं, उसके बाद ही छोड़ा जाएगा। सामने वाला कोई कुछ नहीं समझ रहा। 10 अब जज साहब को 30,000 और चाहिए, वकील साहब इंतजाम करके देंगे। तब कहा बगैर पैसे के कुछ नहीं है। अरे पैसे बिन अफसर का भी कुछ तलब नहीं, तलब कुछ नहीं। पैसे पन किसी का किसी से लब कुछ नहीं। और देखो एक आपके मनोरंजन की बजाइए मासा, हाय हाय रे मजबूरी। पल पल है तड़फाए तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। गुरुदेव बुरी मत मानी होगी, नौजवानन के मारे दो लाइन के पारू में ना तुम ते ज्यादा तो कोई जानती ना है, तुम ते ज्यादा तुम ही जानतो। जब ने ठंडी पर जात का सोई कौन ना कौन तो फिर करे आवतो। बाबूजी किसी की उंगली उठा देना कोई खास बात ना है। अच्छे लोग अच्छों की बढ़ाई करने लग गए, अनाथ बच्चे भी अब कुछ पढ़ाई करने लग गए। जब वो मेरे कद के बराबर नहीं पहुंचे तो पांव के नीचे खुदाई करने लग गए। लग गए क्या बात है। अब ये या को पिया परदेश में और अपने पति को फोन कर रही है। कई बार फोन करो कबू टू टू करके कट जाए, कबू नॉट रीचेबल। अब यहाँ की सहेली आई बिली, कैसा समय कट रो है वनिक, समय का कट रो दे। जब से गए पलम हजारी, जब से गए पलम हजारी, जब से गए पलम हजारी। मेरे पीछे वाले भैया के मन की बात कर रहा हूं। जब से गए पलम हजारी, एक चिट्ठिया तक नहीं टारी। जब से गए पलम हजारी, एक चिट्ठिया तक नहीं टारी। ऐसी प्यारी है गई है वर्दी, ऐसी प्यारी है गई है वर्दी, ऐसी प्यारी है गई वर्दी। और नेक कर्म नहीं होए रजाई, नेक कर्म नहीं होए रजाई, कोई खाई जाए रही सरदी। कैसे बता रही है? अरे बालम ते तो जे अच्छो जाड़ो, बालम ते तो अच्छो जाड़ो, मेरे बालम ते तो जे अच्छो जाड़ो, जो नेक नाए शर्मावे। बालम ते तो अच्छो जाड़ो,
फेंकना है शर्मा बे पालम ते तो अच्छो जाड़ो फेंकना है शर्मा बे और लेट तही जे बिना कहे लेट तही जे बिना कहे रजाई में घुस आवे घुस आवे अरे ऐसे मौसम में पालम ने दिखाई दई है ना मर्दी अरे ऐसे मौसम में पालम ने ऐसे पालम ने मौसम में दिखाई दई ना मर्दी अरे दिखाई दई है ना मर्दी और नेक कर्म ने होई रे दैया मोई खाई और मोय दुखिया बात को ना के बालम मेरे ड्यूटी पे हां सबते ज्यादा दुख मोय काहे को तो कोई मालूम है अरे दिल तो पहना कट जावे पर रात ना ही कट पावे दिन तो पहना कट जावे पर रात ना कटने पावे दिन तो पहना कट जावे पर रात ना कटने और तुखमो का हो तो मालूम है कि मेरी पड़ोसन की खटिया मेरी पड़ोसन की खटिया जब चल रही चर मचावे हाँ मचावे हाँ मचावे जो बने झोंका खाए बहन मो पलम भयो है बेतरती जो बने झोंका अंतिम बंदा आपको मजे दे रहा हूं सोटा पारन ते कह के महीना पर कु कराऊंगा की छुट्टी सोटा पारन ते कह के महीना भर की कराऊंगा की छुट्टी सोटा पारन ते कह के महीना भर की कराए दऊं छुट्टी और सब की ये सबरी कसर कर लूं पूरी सबरी कसर कर लूं पूरी पालम को पिलाए के मैं खुट्टी हाँ खुट्टी हाँ खुट्टी डॉक्टर कहता कुंडन की फिर नाई चले गुंडा डरती अरे डॉक्टर कहते ये तो आपका अरे ये भी आपके मजे की यही आप क्यों जा रहे हैं नींद सता रही हो तो कोई जोर नहीं और नहीं तो सुन के जाओ ये लास्ट की तय फिर हम भी जाएंगे आप भी जाओ आपसे ही शोभा हो रही है यहाँ की लल्लू वो धुनवा बजाए
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। बातें दोनों निभ जाए, तुम्हारी बात निभ जाए और जो आज की भावना है सुबह की बेला है उसकी भी बात निभ। एक मिनट बैठ लो आप, पूरे गीत सुनना और आपको मजा ना आए तो पैसे वापस। अरे हाथों में चाबुक कानों में बालियां, अरे बड़े नखरे बालियां होती हैं तांगे वालियां, तांगे वालियां होती हैं बेटे, लेकिन कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। और स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक तो निशाना कोई भी हो निशानी अच्छी लगती है, निशाना कोई भी हो निशानी अच्छी लगती है, और योनी कोई भी हो जवानी अच्छी लगती है। जब बुढ़ापा बहुत परेशान करता है उस समय जवानी की कहानी। अब देखिए गीत का भाव समझिए कि मैं उम्र भर जिससे लगाव करता रहा वही मेरे कलेजे में घाव करता रहा। मैंने उम्र भर अपने बच्चों को भी नहीं देखा, तमाम उम्र खिलौनों का भाव करता रहा। हमने जिसके वास्ते हस्ती भी मिटा दी, हमारे गुरुदेव लगाते हैं, अफसोस है कि वो हमारे नहीं होते। हमने तो तुम्हारे लिए बेटा अपना अपना तरीका है, नजरिया अलग है, क्योंकि आज 55 साल की कबत्त में भगवान की कृपा रही है और सरस्वती मैया की कृपा रही है, क्योंकि ये इन बच्चों का शौक करा रहा हूं, क्योंकि मेरी 70-72 साल की उम्र है। नए नए बच्चे आज वाक्यों को स्वरों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मत करो सांसों का भरोसा, सांसों की डोरी टूट जाती है, सांसों की डोरी टूट जाती है, छते महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कोई कीमत नहीं होती, अरे अंगूठी हाथ में रहती है, शादी टूट जाती। तो कहा है
झूठ की मटकी। झूठ बोलना बहुत खराब। और तुम जिस बच्चे की बात कर रहे हो राजू की, वो भी मेरा ही रिश्तेदार है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। झूठ की मटकी जब फूट जाती है तो, झूठ की मटकी जब फूट जाती है तो, अरे है तो आंखों से ख्वाब ले जाती है। माने कोई आदमी आपको बहकाता रहा कि मैं तुम्हारी नौकरी लगाऊंगा लगाऊंगा, और बाद में तुम्हें मालूम पड़ा कि ये तो यार हमारा यूज कर रहा था, हमने जीवन भर इसकी सेवा की और ये लोगों से कहता फिरता है कि ऐसे तो चमचे में 10-5 पालता हूँ, तब क्या दुख होता है। अरे झूठ की मटकी जब फूट जाती है तो आंखों से ख्वाब ले जाती है। और बेटा सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत जब टूट जाती है तो, सच्ची मोहब्बत जब टूट जाती है तो उम्र भर का ख्वाब ले। आई बात समझ में? सच्ची मोहब्बत जब टूट जाती तो उम्र भर को खाक दे जाती। गुरुदेव, दिल किसी की चाहत में बेकरार मत करना, और हम तो ठहरे परदेसी, तुम हमसे प्यार खाके प्यार की कसमें दिल मेरा लिया जिसने, अब उसने खत में लिखा है कि मेरा इंतजार। हुस्न वाले तो, हुस्न वाले तो हमेशा ही दगा देते, हुस्न वाले तो हमें साही दगा देते हैं, हुस्न वाले तो हमेशा ही दगा देते हैं, फिर भी हम उनको अपने दिल में जगा देते हैं, फिर भी हम उनको अपने दिल में जगा देते हैं, चोट देते हैं कलेजे पे उम्र भर के लिए, चाहने वाले को मिट्टी में मिला। सच्ची मोहब्बत जब टूट जाती है तो, अरे है तो उम्र भर का घाव। जब राम को राज्य सौंपा गया तो वहां दो व्यक्ति आंसुओं से रो रहे हैं, उन्हें अपना ख्याल आ रहा है, सभी मिल रहे हैं गले, हम भी तो अजीब से। आशा अध्यक्ष महोदय, सभी मिल रहे हैं गले, हम तो अजीब से, सभी मिल रहे हैं गले, हम तो अजीब से, बोले देखो आज सुग्रीव। विभीषण और सुग्रीव आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव ने अपने भैया बाली को मरवाया और विभीषण ने अपने भैया रावण को, और वो चारों भैया गले मिल रहे, तब एक अंदर से हुक निकल के आती है, अरे सभी मिल रहे हैं गले, हम तो अजीब से, और विभीषण जी रोके बोले ऐसे सुग्रीव। दिन में हो या रात में हो, सपना तो सपना होता है, दिल में हो या रात में हो, दिल में हो या रात में हो,
भाई की भुजा, किसी का भाई हो अगर पिटना हो तो भाई कितना भी कमजोर हो लेकिन उसको गुस्सा आए। अरे भाई की भुजा भाई से छूट जाती है तो, अरे भाई की भुजा भाई से जब छूट जाती है तो याद आता है भाई। भाई की भुजा भाई से छूट जाती है तो, अरे है तो वीरता का भाव ले कहते ना कि भैया आप लड़ाई झगड़ो हमने यहाँ हमारे बंद कर दो, क्या हमारो छोटो भैया हमारे बीच ना रहो, हम थोड़े कमजोर पड़ गए। भाई की भुजा भाई से छूट जाती है तो वीरता का भाव ले जाती है, और सच्ची मोहब्बत जब टूट जाती है तो उम्र भर का खाब ले। कविता का ध्यान से सुने, माँ का दिया है दर्जा, माँ का दिया है दर्जा, निभाऊंगा कॉल है मैंने, माँ का दिया है दर्जा, निभाऊंगा कॉल है, लेकर जहर का प्याला बोला हरदौल। आपने हरदौल का भाष सुना होगा, राजा जुझार सिंह ने लांछन लगाया कि तेरे संबंध तेरी भाभी से हैं, पत्नी को समझाया या तो साबित कर वरना ये जहर का प्याला पी करके मर जाए या वो मर जाए। अंदर सुन रहा था हरदौल, भाभी के हाथ से जहर का प्याला ले लिया और पी करके अंतिम सांस में कहता है, उन्होंने कहा तुम्हें मैंने माँ की तरह माना, भैया को पिता की तरह, लेकिन अब मैं जाते जाते बोले तुमने ये क्या कर दिया। तब कहता है हरदौल भाभी माँ, अरे माँ का दिया है दर्जा, निभाऊंगा कॉल है, लेके जहर का प्याला बोला हरदौल। क्या बोला, मन की वासना जब मन को लूट जाती है तो, है तो मन की वासना जब मन को लूट जाती है तो, अरे है तो वो जीवन का चाप ले जाती। अरे मन की वासना जब मन को लूट जाती है तो जीवन का चाप ले जाती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत जब टूट जाती है तो उम्र भर को खाब दे जाती है। तीसरा बंद, पत्नी की बातों ने, अरे पत्नी की बातों ने दिया छक छोड़ के, पत्नी की बातों ने दिया छक छोड़ के, पत्नी की बातों ने दिया छक छोड़ के, चल दिए तुलसी फिर कामिनी को छोड़, चल दिए तुलसी थे कामिनी को छोड़ के, और चल दिए तुलसी फिर कामिनी को छोड़ के। और गुरुदेव मैं चाहूंगा एक बार तालियां अपने लिए बजाओ, क्योंकि माहौल तो तुम दूसरा चाह रहे थे, लेकिन ये भी बात आपको अच्छी लगी
और ये अच्छा गाना अच्छा सुनने में हो रहा है और आप अच्छे सुन रहे हैं तो तालियां तो बनती हैं। एक बार रत्नावली ने कहा कि तुम इतनी भरी नदी में कैसे आए, उन्होंने बताया मैं ऐसे आया सांप पर पकड़ के लटक गया, बोले काम का इतना बड़ा बैग कि स्त्री के लिए कहां से कहां आ गए, अगर ये काम का बैग तुम्हारा राम की तरफ चला जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। और उसी समय तुलसी ने अपनी पत्नी रत्नावली के चरण पकड़ लिए, बोले अब मैं जा रहा हूं। और जैसे ही रत्नावली की जुबान से सरस्वती हटी तब वो उनके पत्नी के रूप में आई, उन्होंने के प्रतिदेव आप आइए मैं आपका आदर सत्कार करती हूँ सेवा करूंगी। तब तुलसीदास ने कहा ना अब नहीं, पत्नी की बातों ने दिया छक छोड़ के चल दिए तुलसी फिर कामिनी को छोड़ के, अंतर अंतर मन की गांठ अंतर मन की गांठ जब खूट जाती है तो अंतर मन की गांठ जब खूट जाती है तो अरे है तो प्रभु से लगा दे। और अंतिम लाइन गुरु ने हम जैसे ना समझ चेलाओं के लिए लिखी है, और ये लाइन सुन करके इस दंगल का मुझे लग रहा विराम होगा। कहा गुरु? हाँ सर। अरे पछताना पड़ेगा पीछे, पछताना पड़ेगा पीछे बोल साहूकार के, पछताना पड़ेगा पीछे ये बोल साहूकार के। क्यों पछताना पड़ेगा कि वो वहां पछताया, पछताना पड़ेगा एक दिन बोल साहूकार के, के पंजारा पछताया था वो कुत्ता को मार के। पछताना पड़ेगा पीछे ये बोल साहूकार के, और पंजारा पछताया था वो कुत्ता को मार के। ज्यादा चालाकी, ज्यादा चालाकी मिट्टी कूट जाती है तो ज्यादा चालाकी मिट्टी कूट जाती है तो अरे है तो वो गहरे में नाक ले। सच्ची मोहब्बत जब टूट जाती है तो उम्र भर को भावते जाती है। इसी के साथ आज के रसियों का यहीं पर भ्रम होता है।